चलो जल्दी जल्दी उठाओ ये सब जन, और वहाँ रख दे रहा, चलो उठाओ जल्दी। और बाकी खाना लग गया? हाँ मैडम, चीजें आ गई। हाँ मैडम, ओके। अच्छा बार यहाँ पे लगाया है, गुड। सारा इंतजाम तो हो गया है ना? हाँ मैडम। सलोनी ये क्या हो रहा है? पार्टी की तैयारी बाबू। सलोनी की पहली पार्टी शानदार और चमक धमक से भरपूर होनी चाहिए ताकि लोग लंबे समय तक याद रखें। सुनो। हाँ मैडम। हर एक को उसके पसंद का ड्रिंक मिलना चाहिए। बाद में मुझे ये नहीं सुनना है कि ये ड्रिंक नहीं है या खत्म हो गया, समझ गए ना? इस घर में इस शराब ठीक, क्यों? वो तुम ही थी ना सलोनी जिसने पदम सिंह को इस घर में इसी बात के लिए टोका था, और आज तुम ही मंदिर जैसे इस पवित्र घर में शराब लेकर आई हो। कब तक लकीर के फकीर बने रहेंगे भाभू? समय बहुत तेजी से बदल रहा है, अगर साथ नहीं चले तो पीछे रह जाएंगे हम। और इस अंधी दौर में अपने जो आदर्श हैं, जो मान्यताएं हैं, जिन्हें हम पीछे छोड़े जा रहे हैं, उनका क्या? आजकल यही सब चलता है भाभू, अगर मेहमानों को बुलाकर उनके पसंद के हिसाब से खाना पीना ना दे तो हमें गवार और अनपढ़ कहेंगे। और मैं किसी भी बात में दुनिया से पीछे नहीं रहना चाहती, सो प्लीज मुझे अपने ढंग से इस पार्टी को सजाने दीजिए। आप लोग धीरे धीरे काम क्यों कर रहे हैं? मेहमानों का आने का वक्त हो गया है, जल्दी से हाथ चलाइए प्लीज। पापा, बस पापा बहुत हो गया, आप मम्मी से कहिए कि वापस आ जाए, दिल नहीं लगता उनके बगैर। अंबिका का मन भी वहां कहां लगता है बेटा, वो तो गायत्री की तबीयत के कारण वहां रुकी है। नहीं पापा, मैंने बुआ सा से बात की, उन्होंने कहा उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट वो तो कह रही थी कि मम्मी को वापस भेजने वाली है, लेकिन एक मिनट। हेलो हेलो सवर बेटा। घड़ी कम्बा काकी सा, कैसी हैं आप? बस ठीक है हम। हमने तो आज सलोनी की तरफ से फोन किया है, तुम सबको सलोनी की पार्टी में आना है। सॉरी काकी साहब, दरअसल ऑफिस में बहुत काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। काकी साहब का फोन है, मुझे दीजिए। एक मिनट काकी साहब, होल्ड ऑन। हेलो काकी साहब, सलोनी जी की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम जरूर आएंगे। बहन की सफलता में भाई ना शामिल हो, ऐसा हो सकता है क्या? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम टाइम पर जरूर पहुंच जाएंगे। हम कोई पार्टी वार्टी में नहीं जा रहे, समझे तुम? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सलोनी दी सफलता का सातवां आसमान छू ले, लेकिन अगर उनका परिवार उनकी खुशी में शामिल नहीं होगा तो उनकी खुशी अधूरी होगी। और समर उन्हें कैसा लगेगा जब हम लोग वहां नहीं पहुंचेंगे? पापा जी आप ही समझाइए ना, काम तो रोज होता रहेगा लेकिन अपनों की खुशी में शामिल होने का मौका रोज रोज नहीं आता। और काकी साहब ने बहुत जोर देकर कहा है कि वहां हमें पहुंचना ही पड़ेगा। बात तो सही है बेटा, और फिर सलोनी को इस सफलता की मंजिल का रास्ता भी तो तुम्हीं ने दिखाया, और तुम्हें अगर वहां नहीं होगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा, तो तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगा। ठीक है पापा, हम सब चले। कौआ चला हंस की चाल, इस कहावत को आज अपनी आंखों से साकार होता देखूंगी मैं। सलोनी आजकल जिस तेजी से रंग बदल रही है ना, आई एम श्योर इस पार्टी में कोई ना कोई धमाल होकर रहेगा। प्लीज सलोनी दी, अपनी प्यारी कावेरी भाभी को मायूस मत करना, आज हो ही जाए कोई अनहोनी।